अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं रोल पट्टी, समोसा पट्टी जो नॉर्मली बाजार से मिल जाती है। आज हम आपको घर पे बनाना सिखा रहे हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे कमेंट में बताइए कैसे बने, और मेरी मेरे वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमने एक पाव मैदा लिया, उसमें नमक डाल के, सिर्फ नमक डाल के जिस तरह नॉर्मली आटा गूंदते उस तरह गूंद लिया, और 10 मिनट के बाद हमने इसके पेड़े बना लिए। अब हमने इसको हमने हल्के हाथ से बेल लिए छोटा छोटा, और अब हम इसके ऊपर घी लगाएंगे। अब हम घी लगा के इनको एक दूसरे के ऊपर रख देंगे। हमने घी लगा के चार चार को बेल दिया और एक दूसरे के ऊपर प्रेस कर दिया है, और इस साइडों पे भी घी लगाना है। ओके, हमने सादी रोटी की तरह इसको बेल दिया है। हमने तवा गर्म होने के लिए रखा था। अब हम इसको तवे के ऊपर डालेंगे। हमने दूसरी भी ऐसी बेल दी है, और ये हमने ये देखिए पक रही है। अब हम दूसरी भी ऐसी पका लेंगे, दोनों साइडों से अच्छी तरह पका लेंगे। ये देखिए रोटी पक गई है और ये खुलने भी लग गई है। देखिए अंदर से भी पक गई है। ये देखिए दोनों तरफ से रोटियां पक गई है। अब हम इनको अलग अलग कर लेंगे, ऐसे हम अलग अलग कर लेंगे रोटियां। और इधर दी है, अब हम इसकी कटिंग करके आपको दिखाते हैं। अब हम इसको काट लेंगे। ये देखिए हमारी रोल पट्टी तैयार है। आप इसके 3 पीसेस करके समोसे की पट्टी भी बना सकते हैं। ये देखिए इतने इतने पीसेस करके समोसे की पट्टी भी बना सकते हैं, और ये आप 20-25 दिन के लिए इसको फ्रीजर में भी रख सकते हैं। ये ज़ाया नहीं होएगी, हम इसकी छोटी छोटी ये जो किनारे उतरे थे वो ज़ाया नहीं होएगी। हम इसकी छोटे छोटे पीसेस करके पापड़ियाँ बना लेंगे। आप कभी चना चाट बनाए तो डाल लें, या फिर ऐसी ही केचप के साथ खा सकते हैं फ्राई करके। अब हम इसको आपको दिखाएंगे। सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और दुआ में मुझे याद कीजिएगा।